नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र तिवारी आप सभी का इस बुलेटिन में स्वागत करता हूं। दिनांक 28 जुलाई 2019 को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र भागलपुर के द्वारा एलसीटी घाट के तट पे डॉल्फिन के संरक्षक हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें मुसहरी के जाल के द्वारा मछली पकड़ने को डॉल्फिन के संरक्षण में सबसे बड़ी बाधा जो है वो बताया गया। राष्ट्रीय युवा कोर पीयूष वाजपेयी ने नेहरू युवा केंद्र भागलपुर की तरफ से नमामि गंगे गंगा स्वच्छता डॉल्फिन संरक्षण हेतु विभिन्न पहलुओं पर गहन प्रकाश डाला। राष्ट्रीय युवा कोर कहलगांव के रवि भूषण ने स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप 2.0 के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्वच्छता दीवार लेखन, गंगा स्वच्छता रैली, जागरूकता नाटक आदि के संदर्भ में विस्तार पूर्वक बताया। धन्यवाद ज्ञापन जो है मृत्युंजय कुमार ने किया। विश्व आइए सुनवाते हैं इस अवसर पे रवि भूषण ने क्या कहा और बाकी वक्ताओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज 28 जुलाई को हम लोग कहलगांव में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस नेहरू युवा केंद्र भागलपुर के द्वारा मना रहे हैं। आज हम लोग कहलगांव के घाट पर सफाई अभियान किया, उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी मछुआरा भाई हैं उन लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया और उन लोगों से आग्रह किया और डॉल्फिन को बचाने के लिए हम लोगों ने उनसे जाना कि किस तरह से वो डॉल्फिन को बचाने में कार्यरत हैं और यहाँ पर क्या क्या उनकी परेशानियाँ हैं, उनको हम लोगों ने जाना और उनकी बातों को हम लोग ऊपर पहुँचाने की बात भी करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर दीवार लेखन का काम भी कर रहे हैं, डॉल्फिन को किस तरह से बचाया जा सकता है, गंगा में किस तरह से अगर हम लोग कूड़ा कचरा ना डालें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें जिससे डॉल्फिन को सुरक्षित रखा जा सकता है। डॉल्फिन गंगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम लोग आज पूरे भागलपुर का टीम नेहरू युवा केंद्र का हर एक प्रखंड से कार्यकर्ता आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मना रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग समर इंटेंसिव 50 घंटा स्वच्छता अभियान का भी कार्यक्रम चला रहे हैं जो कि आप लोग पिछले भी दिन देखे हैं और लगातार हम लोग विभिन्न जगहों पर सफाई अभियान, इसके साथ साथ वृक्षारोपण, इसके साथ साथ जहां भी मतलब मूर्तियां हैं उसको हम लोगों ने साफ करने का काम किया है, दीवार लेखन, कल हम लोगों का कार्यक्रम सेमिनार का है, ऐसा कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के बैनर तले हम लोग करते आ रहे हैं। रवि भूषण, कहलगांव। नाली में डाल देते हैं, कचरा में डाल देते हैं, नाली जाम हो जाता है, शहर का पूरा जितना भी नाली है रोड पर बनी रहता है, फिर हम सरकार को देते हैं कि सरकार के वजह से रोड नहीं बन रहा है, नाली नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसके जिम्मेवार नहीं है। हम लोग ऐसा कर सकते, छोटी छोटी जरूरत अपने में परिवर्तन करेंगे। आज तक हम लोग कहते थे क्या कि हम 3 R का यूज करें। 3 R का यूज करने का मतलब सबसे पहले रिड्यूस का मतलब कम करना कि जिस चीज का जरूरत नहीं है हम उस जरूरत को छोड़ देते हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए हम रिड्यूस करें, जितना कम से कम हो सकता है हम कचरा का फैलाएं तो उसको कहते हैं रिड्यूस। फिर कहते हैं रिसाइकिल, मतलब जहां तक हो सकेगा हम पुनः यूज करें, किसी चीज का हम दोबारा से यूज करें उसको छोड़ने के पहले। और तीसरा रिसाइकिल, जैसे हम कोई भी चीज का यूज करते हैं, आप भी देखते होंगे कि कागज का सामान होता है उससे कूट बनता है, तो वो हुआ रिसाइकिल। आज से हम एक नया सफर पे रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब जो चीज पर्यावरण के लिए हानिकारक है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी हानिकारक है, उसको रिफ्यूज करेंगे, छोड़ेंगे उसको। आप ये चीज कीजिएगा कहीं ना कहीं आपको होगा। आज पॉलिथीन बैन किया गया, पॉलिथीन बैन किया गया, हमारे ऊपर लगाया गया कानून कि अगर हम पॉलिथीन यूज करेंगे तो हमें जुर्माना लगेगा। क्यों, इसका क्या मतलब है? जुर्माना लगाया गया क्योंकि हम लोग सीधे से समझते नहीं है किसी बात को, हम लोग को कहीं ना कहीं दंड लेने की आवश्यकता हो गई क्योंकि बचपन से हमारे संस्कार में दिया गया है कि अगर पढ़ोगे नहीं तो मार पड़ेगा, अगर पास नहीं करोगे तो मार पड़ेगा, तो इसी तरह हर चीज के लिए हमें दंड प्रवाह दिया गया। तो ऐसा